देशभर सहित गुना जिले में भी आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि नेशनल लोक अदालत अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिसके जरिए आज गुना जिले के लगभग 6000 लंबित मामलों के निराकरण किए जाने की बात संबंधित अधिकारी ने कही। उसका क्या ना अच्छा नाम है, आज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार वर्ष 2018 की पहली लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में लगाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो न्यायालयों में मामलों के लंबित मामले हैं उनका दबाव कम किया जाए और समाज में आपसी प्रेम व सौहार्द कायम रखा जाए। जिला गुना में गुना सहित तहसील मुख्यालय चाचौड़ा, राधोगढ़ और आरोन में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 6000 मामले, 1700 मामले लगभग लिटिगेशन है और 5000 मामले प्री लिटिगेशन के रखे जा रहे हैं, जिनका निराकरण करने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संजीव दत्ता द्वारा 23 खंडपीठों का गठन किया गया है तथा ये पूरी लोक अदालत माननीय संजीव दत्ता साहब जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा प्रभारी नेशनल लोक अदालत हमारे विशेष न्यायाधीश प्रदीप मित्तल साहब और हमारे जिला रजिस्ट्रार ऑब्लिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय के मिश्रा साहब के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। पूरे देश के साथ साथ गुना में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में सिविल केसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, चेक बाउंस केसेस, बिजली केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस से भी रखे जा रहे हैं। लोक अदालत का बहुत अधिक बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो केस का कोई अपील नहीं होती है, केस का दोनों संबंध पक्षों में केस तो निपटता ही है, संबंध भी मधुर हो जाते हैं, अपील भी नहीं होती और इसका कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आह्वान करता हूँ कि सभी लोग अपने प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से कराएं।